का सीधा साधा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। वो परिचय करवाती चौथी स्त्री अपने बेटे का और कहती कि यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। ठीक है, तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। वह वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। पाठ में जो आपको मोरल मिला, शिक्षा मिली, वो क्या है? मतलब कम सामने जल्दी मतलब कि दूसरे के बेटे उसे देखे बिना ही उसे चले गए और जो ये चौथी स्त्री का बेटा था उसके पास आके उसने घड़ा उठाया। वेरी गुड, है ना। पाठ में आपने ये समझा कि बाकी तीनों स्त्रियों के बेटे जो माँ कितनी प्रशंसा कर रही है, गुण गा रही है, वो उनको बिना देखे ही आगे चले जाते। गुणी तो रहते हैं, नो डाउट गुणी रहते हैं। कोई एक गाने में अच्छा होता है, दूसरा बलशाली रहता है और तीसरा पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन तीनों अपनी माँ को बिना ध्यान दिए आगे चले जाते हैं। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा स्वभाव में सरल रहता है, उसके पास कोई खासियत उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन उसके में अच्छाई ये हुई कि वो अपनी माँ का घड़ा लेकर, क्यों, क्योंकि वो जानता है मेरी माँ परिश्रम कर रही है, मेरा सिर पर घड़ा उठा के घर तक ले जाएंगी तो उनको तकलीफ होगा, और अपनी माँ की परेशानी को समझते हुए घड़ा लेकर घर तक पहुँचाता है। तो आपके नज़र से सच्चा हीरा कौन हुआ? चौथी स्त्री। कम ये आप जैसे आपके हिसाब से या आपके विचार से सच्चा हीरा कौन कहलाएगा? चौथी स्त्री का बेटा। क्यों? क्योंकि वह उसकी माँ का रिस्पेक्ट कर रहा है, अपनी माँ की परेशानी को समझना, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमारे में बहुत सारे अच्छे आचरण हो, कभी कभी हम छोटे से कार्य करके भी अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी मदद करके, और वहीं से हमारी जो शिक्षा होती है वो चालू होती। थैंक यू। पाठ